चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी हरी पर आपको लगता है कि विधानसभा का लोकसभा के चुनाव में असर नहीं होगा? कोई असर नहीं होगा, आई क्या है, 99 सीटें आई है, वो 100-150 पर कूद रहे थे, 99 सीटें आई है, वो आने माने नहीं है। और पाँच साल के मान, ये 5 साल में सरकार चेंज होती है अपने राजस्थान के मान, 5 साल में सदाई होती है, ये कौन से दिन नहीं होती है, 5 साल में सदाई चेंज होती है। वो बैरू सिंह के टाइम में नहीं हुई थी, अभी तो होती है ही है, वसुंधरा की अशोक गहलोत जी के टाइम में होती है ही है। और वो तो बढ़िया क्या सचिन पायलट था, जो सीटें आ गई हैं, ये भी सीटें आने वाली नहीं थी अशोक गहलोत जी को। अच्छा हाँ, अच्छा अभी खासकर फिर से जो ताज़ा बात हुई सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 जो हुई है पुलवामा हमले के बाद में, उसको लेकर आपको कैसा लगा था? आप अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार कुछ कार्यवाही करे? लग रही थी, सभी ने ये लग रही थी कि ये सोच समझ के करेगा, और वो सोच समझ के करी है इसने, किसी को ये नहीं कि भाई करी नहीं है। अब कांग्रेस ने बोल रहे हैं कि भाई करी नहीं है, हमारे को ये दिखाओ वो दिखाओ, दिखाने के लिए लोग बैठेंगे मिलिट्री वाले, और कोई काम नहीं है, इनको ये दिखाएंगे कि लोगों को कि ये काम दिखाएंगे हम तुम्हारे अटैक करें या नहीं करें। आप सही कह रहे हैं। एक बात और, प्रियंका गांधी के आने से कहा कि कांग्रेस जो है वो बहुत अधिक सीटें ले आएगी, आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर? पूरा परिवार तो कूद चुका, अब और है कौन कूदने वाला? एक मेन मुद्दा ये था प्रियंका गांधी, ये आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो भी आ चुकी है, अगर चुनाव हो जाएगा रिजल्ट आप जब देख लेना कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो रिजल्ट देखने के लिए निश्चित रूप से हम प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के सामने थड़ी और पान की दुकान पर जो जो राय हमने सुनी, बेरोजगारी की तरफ सरकार और अधिक ध्यान दे, इस सुझाव के अलावा सभी लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की अस्मिता बढ़ी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर ध्यान गया है, और बल्कि हमारे चाय वाले भैया और सबका यह भी मानना है कि नोटबंदी के द्वारा भी देश को आर्थिक दृष्टि से लाभ ही हुआ है, तो अगर यहाँ इस चाय के प्याले के साथ इस चर्चा के बाद में मुझे घोषणा करनी हो कि आने वाले समय में चुनाव के बाद भारत में प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो 99% ये कहा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री फिर एक बार होने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और ठीक ठीक मतदाताओं के निर्णय के बाद समय किस रूप में इस बात को हमारे सामने उजागर करता है वो देखेंगे हम लोग। और मेरे साथी डॉक्टर नितिन सारस्वत के साथ जयपुर से ITV गोल्ड के लिए मैं हूँ अशोक व्यास।